हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम फिर से खेल रहे हैं फार्मिंग सिमुलेटर 20। तो ये सेकंड पार्ट है, और पिछले पार्ट में आपने देखा था कि हमने वो कॉटन की फार्मिंग की थी, और जिसमें हमें कॉटन वो अपने खेतों के अंदर लगाई थी। तो अब बारी अपने फर्टिलाइज की, तो करते हैं स्टार्ट। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वो लिंक मिल जाएगा, और ऊपर आई बटन के अंदर भी वीडियो मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट देख लेना, जिसके अंदर हमने कॉटन की फार्मिंग की थी। तो चलिए अब बढ़ते अपने वीडियो की तरफ, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अपने गेम प्ले को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम वो टैंक खरीदते हैं, फर्टिलाइज टैंक, जिससे हमें वो फर्टिलाइज करनी है। तो यहाँ पर टोटल है वो 5 टैंक है, तो 5 को ही खरीदेंगे, क्योंकि हमें वो सभी को देखना है। इसके बाद है वो यहाँ पर फर्टिलाइज स्प्रेडर भी है और टैंक भी है, तो इनको हम अभी वो नहीं देखने वाले, क्योंकि अभी अपने पास है वो बायोगैस का कुछ भी सामान या बायोगैस नहीं है। तो चलिए इन्हीं से करते हैं स्टार्ट। तो ये रहा अपना फर्स्ट टैंक, ये इनबिल्ट है, इसके वो ट्रैक्टर जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर ये सब कुछ सिस्टम है, इसी के अंदर वो टैंक लगा हुआ है, ये अपने आप है वो जुड़ा हुआ है पहले से ही। तो हमने वो ट्रैक्टर भी खरीद लिया है 500 मशीन के पीछे दौड़ने के लिए। ये एक जोडियर का, इसके टायर है वो काफ़ी बड़े हैं। ये रहा एक रोलिंग वाला, और एक इसके बाद एक और है, ये सबसे बड़ा। तो देखते हैं हमें फर्टिलाइजर वो कहाँ से मिलती है, तो इसको लेके चलते हैं अपने जहाँ पर हमको वो फर्टिलाइज लोड करनी है। तो यहीं पर मिलेगी अपनी फर्टिलाइज अपने फार्म के पास। यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है, चलिए इसको साइड में करते हैं और आगे चलते हैं अपने स्टोर की तरफ, जहाँ से हमें वो फर्टिलाइज इसके अंदर लोड करनी है। तो यहाँ है फर्टिलाइज का स्टोर, यहाँ से हमें लोडिंग करनी है। तो मैप के अंदर इसकी अब लोकेशन ये है। अब इसको करते हैं साइड, और बाकी ट्रैक्टर्स को है वो दौड़ कर उनके अंदर भी फर्टिलाइज लोड कर लेते हैं। सभी ट्रैक्टर्स के अंदर है वो हमने वो फर्टिलाइज लोड कर लिया। उसके बाद अपने आ चुके हैं अपने खेत अपने फील्ड्स के अंदर, जहाँ पर हमने वो कॉटन लगाई है। तो एक एक करके इन सभी ट्रैक्टर्स को देख लेते हैं, और उसके बाद करते हैं अपना काम स्टार्ट। तो फर्स्ट व्हीकल ये है, और ये देखना जब फैलेगा तो काफ़ी वो बड़ा हो जाएगा, अभी देखने में थोड़ा छोटा लग रहा है। और ये देखो इसके टायर भी फैल चुके हैं, और अब फैल रहा है इसका मेन सिस्टम, जहाँ पर पाइपें लगी और वहाँ से फर्टिलाइज नीचे आएगी। और ये देखो गाइस, बिल्कुल ये वो देखने मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है काफ़ी फर्टिलाइज इसके अंदर से नीचे आ रही है। तो चलिए अपने फर्टिलाइज को करते हैं स्टार्ट। ये टैंक है वो काफ़ी बड़ा है, इससे हमें पूरे खेत के अंदर है वो एक या दो राउंड के अंदर कर सकते हैं फर्टिलाइज। लेकिन हमारे पास अलग अलग ट्रैक्टर है उनको देखने है, तो इसका है वो सिर्फ एक ही राउंड लेते हैं और चलते हैं अपने अगले ट्रैक्टर की तरफ, जहाँ पर हमने वो एक और टैंक जोड़ा है फर्टिलाइज का। तो ये रहा अपना सेकंड टैंक, आगे इसके बेटा आया हुआ है और पीछे इसका टैंक। ये टैंक है वो दिखने में काफ़ी छोटा लग रहा है, लेकिन जब ये फैलेगा तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो चलिए इसको फैलाते हैं पहले। ये देखो इसके अंदर से फर्टिलाइज नीचे आने लग गई है, और देखो बिल्कुल ये देखने में रियल लग रहा है। और ये कुछ है वो केबिन भी हुआ इसका, साथ में बारिश भी हो रही है और अपने फर्टिलाइज का काम भी चल रहा है। और ये रहा अपना एक ट्रैक्टर जोनियर का, इसके टायर है वो काफ़ी बड़े ये देखो, तो इसको भी देख लेते हैं। इसके भी है वो फैला देते हैं पाइपें, और इसके पाइपें भी काफ़ी बड़ी है। कितने भी बड़े फील्ड हो, ये एक या दो राउंड के अंदर है वो पूरा कवर कर लेता है। तो ये रहा इसका केबिन व्यू, और ये देखो बारिश वो पड़ रही है। दोबारा चलते हैं इसके अंदर और करते हैं काम कंटिन्यू।
और ये रोलिंग वाला ट्रैक्टर जॉन डियर का ही है। ये टैंक है वो देखने में काफी देखो छोटा लग रहा है, लेकिन जब ये फैलेगा तो और बड़ा हो जाएगा। इससे भी देखते हैं अपने फर्टिलाइजर को कैसे आती है और कैसी होती है। ये देखो टैंक है वो काफी बड़ा है और अपना काम है वो आसानी से हो रहा है। तो ये रहा अपना फाइनल टैंक, इसको भी देख लेते हैं कैसे इसकी फर्टिलाइजर नीचे आती है और कैसे जब इसकी पाइपें बड़ी होती है तो ये कितना बड़ा बन जाता है। और ये इसको केबिन से कुछ व्यू देख लेते हैं थोड़ा। F20 के ग्राफिक है वो काफ़ी रियलिस्टिक है, तो गेम को खेलने में काफ़ी है वो अच्छा लगता है। तो अपना फर्टिलाइजर का काम है वो पूरा हो चुका है और कुछ फसल तो है वो अपनी पक के तैयार भी हो चुकी है। ये रही कॉटन की फसल, इसके अंदर ले जाकर देखते हैं। और ये देखो आधी फसल तो अपनी पक चुकी है, पूरी पकेगी तब इसको निकालेंगे। तो सभी है वो हार्वेस्ट से इनको निकाल कर देखेंगे कैसे इसको है वो निकालते हैं और कैसे स्टोरेज करते हैं और कैसे सेल करते हैं। तो अपनी क्रॉप को है वो हार्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने वो सभी इक्विपमेंट के साथ। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।